Well, hello everyone. This is RJ Golmal Gagan on 94.3 my FM. And आज मैं ग्रेशन मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आई डॉक्टर नेहा अग्रवाल के साथ हूँ, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट 94.3 my FM पे. वेलकम मैम. हाई, दिस इज डॉक्टर नेहा. आई एम कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट इन ग्रेशन हॉस्पिटल मोहाली एंड राइट नाउ आई एम ऑन 94.3 my FM जियो दिल से. एंड मैम, हमें इस बार कहा जाता है इट्स अ मंथ ऑफ स्ट्रोक, सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट स्ट्रोक्स. स्ट्रोक्स क्या होता है, क्या कहते हैं? एक्चुअली आम भाषा में स्ट्रोक को हम पैरालिटिक अटैक बोलते हैं, या ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, या ब्रेन इंजरी बोलते हैं. आम भाषा में इसको लकुआ मार जाना या फालिश पड़ जाना भी बोलते हैं. अच्छा. होता क्या है कि हमारी बॉडी का कोई भी एक पार्ट अचानक से काम करना बंद कर देता है. अच्छा. रीजन ये है कि ब्लड ब्रेन का कोई भी एक पार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है. अब वो सप्लाई की कमी क्लॉट की वजह से भी हो सकती है, आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकती है, जिसे हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं. और वो सप्लाई की कमी नस के फट जाने या बर्स्ट हो जाने की वजह से भी हो सकती है, जिसे हम हिमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं. ओके. एंड व्हाट आर द प्रिवेंशंस, क्या क्या बचाव हो सकते हैं इन चीज़ों? स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए हमें उन रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करना होगा जो स्ट्रोक कॉज कर सकते हैं. वो वही रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक भी कॉज कर सकते हैं. तो यूजुअली मेजर रिस्क फैक्टर्स आर ब्लड प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बॉडी में शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा होना. इफ़ यू आर ओवरवेट, यू आर एट रिस्क ऑफ स्ट्रोक. स्ट्रेस लेवल्स, ये रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं स्ट्रोक का रिस्क. एंड ओवर डोसेजेस ऑफ एल्कोहल, इफ़ यू आर टेकिंग हाई अमाउंट ऑफ एल्कोहल, वो भी एक रिस्क फैक्टर है. एंड स्मोकिंग इज़ ऑलवेज अ रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक. Again, these are the, of course, factors of unhealthy lifestyle. Yeah, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑलरेडी हाइपरटेंसिव या डायबिटिक हैं, यू टेक योर मेडिकेशंस ऑन टाइम एंड गो फॉर रेगुलर चेकअप्स. अगर हाइपरटेंसिव या डायबिटिक नहीं है तो इसको प्रिवेंट करिए बाय एक्सरसाइजिंग. इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, 40 minutes ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग अ डे फॉर 5 times a week would be enough to prevent stroke. Okay. हेल्दी डाइट अपनाना बहुत ज़रूरी है स्ट्रोक के केस में. You just include lots of fruits and veggies and have lots of water. Cut down to the carbohydrate content and fat content. Take more of proteins. That would be a very healthy lifestyle to prevent stroke. Okay. Thirdly, just stop smoking if you are a smoker. अगर बहुत ज़्यादा alcohol लेते तो cut down करते 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 उसको reduce करिए. और अगर stressful lifestyle है आपका, then you go for meditation therapies, yoga therapies, relaxation therapies, so that ये स्ट्रेस लेवल्स कट डाउन हो जाए. एंड डॉक्टर नेहा, अगर फिर भी स्ट्रोक आ जाए तो कैसे पहचाने और उसके बाद क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं वो कुछ हद तक हमारे हाथ में होते हैं, पर फिर भी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है और अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक हो सकता है. तो ज़रूरी ये है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर को स्ट्रोक होता है तो आप स्पॉट करें कि ये स्ट्रोक है कि नहीं है. उसके लिए बहुत ही सिंपल सा निमोनिक है, FAST, फास्ट, F फॉर फेस. आप अपने फैमिली मेम्बर को बोलिए कि उनके फेस की तरफ देख के कि वो स्माइल करें. अगर स्माइल करते हुए फेस एक तरफ डिविएट होता है, देन दिस कुड बी स्ट्रोक. A फॉर आर्म्स, उनको बोलिए कि दोनों हाथ हवा में उठाएं, अगर एक ड्रूप करता है तो ये स्ट्रोक हो सकता है. S फॉर स्पीच, उनको बोलिए कि कोई सेंटेंस बोल के दिखाएं, अगर जो उन्होंने बोला आपके समझ में नहीं आया तो दिस कुड बी स्ट्रोक. एंड टी इज टाइम, अगर ऊपर वाले लक्षण पॉजिटिव हैं तो देर इज़ नो टाइम लेफ्ट, आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है. बिकॉज 4.5 घंटे के विंडो पीरियड में अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सिर्फ एक इंजेक्शन दे के उस क्लॉट को पूरी तरह से घोल सकते हैं. ओके. हाँ, दिस कुड सेव द लाइफ ऑफ योर रिलेटिव एंड दिस कुड इवन हेल्प हिम to prevent that disability which can make him bedridden for life long. And ma'am, before you go, all the listeners of 94.3 my FM, what is your message on this month, stroke month, and anything you want to specify for that? My message would be just have a healthy life, because healthy, aap healthy rahoge to happy rahoge. Healthy, being healthy is the key to happiness. सो अगर कितना भी आपको वर्कलोड है, अगर आप स्ट्रेस में हो तो सबसे पहले वो काम ही छोड़ दो जो आपको स्ट्रेस देता है. मेक हेल्थ योर प्रायोरिटी एंड सेकेंडली योर वर्क शुड बी योर प्रायोरिटी.
श्योर मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू. एंड आई होप आप लोगों को पता चला होगा और इस इन चीज़ों पर अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पर आप ध्यान देंगे. एंड अगर फिर भी जैसे मैम ने कहा कुछ हो जाता है तो ग्रेशन मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज ऑलवेज देयर. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो बने रहिए 94.3 MHz पर मेरे यानी गोलमाल गगन के साथ, एज दू से जियो दिल से.